नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरित। संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण गणपति खंड अध्याय 20-21। भगवान नारायण के निवेदित पुष्प की अवहेलना से इंद्र का श्री भ्रष्ट होना, पुनः बृहस्पति के साथ ब्रह्मा के पास जाना, ब्रह्मा द्वारा दिए गए नारायण स्तोत्र कवच और मंत्र के जप से पुनः श्री प्राप्त करना। तब श्री नारायण ने कहा, नारद, एक बार देवराज इंद्र निर्जन वन में एक पुष्पोद्यान में गए थे। वहां रंभा अप्सरा से उनका समागम हुआ। तदनंतर ये दोनों जल विहार करने लगे। इसी बीच मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा वैकुंठ से कैलाश जाते हुए शिष्य मंडली सहित वहां आ पहुंचे। देवराज इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया, मुनि ने आशीर्वाद दिया। फिर भगवान नारायण का दिया हुआ पारजात पुष्प इंद्र को देकर मुनि ने कहा, देवराज, भगवान नारायण के निवेदित यह पुष्प सब विघ्नों का नाश करने वाला है। यह जिसके मस्तक पर रहेगा वह सर्वत्र विजय प्राप्त करेगा और देवताओं में अग्रगण्य होकर अग्र पूजा का अधिकारी होगा। महालक्ष्मी छाया की तरह सदा उसके साथ रहेंगी। वह ज्ञान, तेज, बुद्धि, बल सभी बातों में सब देवताओं से श्रेष्ठ और भगवान हरि के तुल्य पराक्रमी होगा। परंतु जो पामर अहंकारवश भगवान श्री हरि के निवेदित इस पुष्प को मस्तक पर धारण नहीं करेगा, वह अपनी जाति वालों के सहित श्री भ्रष्ट हो जाएगा। इतना कहकर दुर्वासा जी शंकरालय को चले गए। इंद्र ने उस पुष्प को अपने सिर पर न धारण करके ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। इससे इंद्र श्री भ्रष्ट हो गए। इंद्र को श्री भ्रष्ट देख रंभा उन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई। गजराज इंद्र को नीचे गिराकर महान अरण्य में चला गया और हथिनी के साथ विहार करने लगा। उस वन में उसके बहुत से बच्चे हुए। इसी समय श्री हरि ने उस हाथी का मस्तक काटकर बालक अर्थात गणेश के सिर पर लगा दिया। वत्स, गजमुख के लगाने का प्रसंग तुमको सुना दिया। इसके श्रवण से पाप नष्ट होते हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो सो कहो। नारद ने पूछा, प्रभु, किस ब्रह्म श्राप के कारण वे सभी देवता श्री भ्रष्ट हो गए थे? पुनः किस प्रकार उन्होंने उन जगत जननी कमला को प्राप्त किया? उस समय महेंद्र ने क्या किया? आप उस परम दुर्लभ गोपनीय रहस्य को बतलाने की कृपा करें। नारायण ने कहा, नारद, जिसकी बुद्धि अत्यंत मंद हो गई थी, श्री से भ्रष्ट होने के कारण जिस पर दीनता छाई हुई थी और जिसका आनंद नष्ट हो गया था, वह इंद्र, गजेंद्र और रंभा से पराभूत होकर अमरावती में गया। मुने, वहां उसने देखा कि उस पुरी में आनंद का नाम निशान नहीं है। वह दीनता से ग्रस्त, बंधुओं से हीन और शत्रु वर्गों से खचाखच भर गई है। तब दूत के मुख से सारा वृत्तांत सुनकर वह गुरु बृहस्पति के घर गया और फिर गुरु तथा देवगणों के साथ वह ब्रह्मा की सभा में जा पहुंचा। वहां जाकर देवताओं सहित इंद्र ने तथा बृहस्पति ने ब्रह्मा को नमस्कार किया और भक्ति भाव सहित वेद विधि के अनुसार स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात बृहस्पति ने प्रजापति ब्रह्मा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा ने नीचे मुख करके कहना आरंभ किया। ब्रह्मा बोले, देवेंद्र, तुम मेरे प्रपौत्र हो और श्री संपन्न होने से सदा प्रज्वलित होते रहते हो। किंतु राजन, लक्ष्मी के समान सुंदरी शची के पति होने पर भी तुम आचार भ्रष्ट हो जाते हो। जो आचार भ्रष्ट होता है उसे लक्ष्मी अथवा यश की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है? वह पापी तो सदा सभी स्वभाव में निंदा का विषय बना रहता है। रंभा ने तुम्हें हतबुद्धि बना दिया था, इसी कारण तुमने दुर्वासा द्वारा दिए गए श्रीहरि के नैवेद्य को गजराज के मस्तक पर डाल दिया।
इस समय सबके द्वारा भोगी जाने वाली वह रंभा कहाँ है और शरीर से भ्रष्ट हुए तुम कहाँ, जिसके कारण तुम्हें लक्ष्मी से रहित होना पड़ा। वह रंभा भी तुम्हें क्षण भर में ही त्याग कर चली गई, क्योंकि वैश्या चंचला होती है। वह धनवानों को ही पसंद करती है, निर्धनों को नहीं, तथा प्राचीन प्रेमी का तिरस्कार करके नए नए नायकों को खोजती रहती है। परंतु वत्स, जो बीत गया वह तो चला ही गया, क्योंकि बीता हुआ पुनः वापस नहीं आता। अब तुम लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक नारायण का भजन करो। इतना कहकर नारायण परायण ब्रह्मा ने इंद्र को जगत सृष्टा नारायण का स्तोत्र, कवच और मंत्र दिया। तब इंद्र देवताओं तथा गुरु के साथ पुष्कर में जाकर अपने अभीप्सित मंत्र का जप करने लगे और कवच ग्रहण करके उसके द्वारा श्रीहरि की स्तुति में तत्पर हो गए। इस प्रकार पुण्यदायक शुभ भारतवर्ष में एक वर्ष तक निराहार रहकर लक्ष्मी की प्राप्ति के हेतु उन्होंने लक्ष्मीपति की सेवा की। तब श्री हरि ने प्रकट होकर इंद्र को मनोवांछित वर तथा लक्ष्मी का स्तोत्र, कवच और ऐश्वर्यवर्धक मंत्र प्रदान किया। मुने यह सब देकर श्री हरि तो वैकुंठ को चले गए और इंद्र क्षीर सागर पर पहुंचे। वहां उन्होंने कवच धारण कर स्तोत्र द्वारा स्तवन करके लक्ष्मी को प्राप्त किया। तत्पश्चात देवराज इंद्र ने शत्रु को जीतकर अमरावती को अपने अधिकार में कर लिया। इसी प्रकार सभी देवता एक एक करके अपने इच्छित स्थान को प्राप्त हुए। संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण गणपति खंड अध्याय 20 व 21 संपूर्ण। जय राधा माधव।